हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे मेथी और टमाटर की चटनी, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, साथ ही साथ बहुत टेस्टी है। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मेथी, जिसे अच्छे से धो के साफ करके मैंने रख लिया है। उसके अलावा ये है आधा किलो टमाटर, यहाँ पर मैंने देसी टमाटर का इस्तेमाल किया है। और ये हैं जीरा, सरसों, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और हरी मिर्च। गरम मसाला कम्प्लीटली ऑप्शनल है। उसके अलावा तड़का लगाने के लिए सरसों 1 स्पून, लहसुन, सूखी लाल मिर्च और 1 स्ट्रिप करिया पत्ती का है। उसके अलावा ये है तेल और नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैं इस बार पैन नहीं यूज़ कर रही हूँ, इस तरीके का हांडी यूज़ कर रही हूँ। चटनी हम लोग हांडी में बनाएंगे। हांडी में क्यों बनाएंगे, उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। इस हांडी में अगर हम लोग चटनी बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी रहेगा। अब तेल गर्म हो गया, उसमें मैं डाल रही हूँ जीरा और सरसों। डाल के 1/2 स्पून है डाल के, जैसे जीरा और सरसों तड़कने लग गया, मैं इसमें डाल रही हूँ लंबा कटा प्याज। प्याज को हमें चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली लास्ट में हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से घोट लेंगे या ग्राइंड कर लेंगे। अभी प्याज डाल के मैं इसको हल्का सा भून रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा भून जाएगा, इसमें डाल रही हूँ लंबा कटा हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। हरी मिर्च डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये चटनी बहुत ज़्यादा जल्दी बनती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। अभी मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये चटनी आपको लग रहा होगा मेथी से बनाए हैं तो कड़वा होगा, बट ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं रहेगा। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर। हमने हरी मिर्च भी डाला है और अभी मिर्च पाउडर भी डाल रहे हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। डाल के अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा भून रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा भून जाएगा, अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी। मेथी 1/2 किलो है। 1/2 किलो मेथी को मैंने अच्छे से साफ करके इसके पत्ते निकाल लिए, और जो छोटी छोटी डंडियाँ होती है, जो सॉफ्ट होती है, मैंने उनको भी रहने दिया है। डाल के अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मेथी अभी एकदम ऐसा लग रहा है कि बर्तन में भर गया, बट थोड़ी देर बाद ये नरम हो जाएगा और बर्तन में नीचे बैठ जाएगा। इसको हमें लगातार धीमी आंच पे इस तरीके से मिलाना है। इस तरीके से मिलाने से थोड़ी देर में ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अभी इसको अच्छे से मिक्स करना। यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना, अगर हम लोग हाई रखेंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए मीडियम हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से इस तरीके से भुनना है। 2-3 मिनट बाद ये नरम हो जाएगा, उसके बाद ढक्कन रख के 2-3 मिनट और धीमी आंच पे पकने देंगे। 2-3 मिनट बाद अभी आप देख सकते हैं मेथी का पूरा मॉइस्चर निकल गया, ये अच्छे से नरम भी हो गया, बट ये पूरी तरीके से पका नहीं है। अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें टमाटर। टमाटर यहाँ पे मैं 1/2 किलो डाल रही हूँ, और मैं देसी टमाटर डाल रही हूँ, मतलब खट्टे वाले टमाटर डाल रही हूँ। अगर आप हाइब्रिड वाला टमाटर यूज़ कर रहे हो तो इसमें आप थोड़ा सा इमली डाल सकते हो, या बनने के बाद आधा नींबू निचोड़ सकते हो, बट यहाँ पे देसी टमाटर यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं इमली का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ अराउंड 1 टीस्पून नमक। नमक डाल के अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर। यहाँ पे अगर आपको पसंद है तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हो, बट मैं गरम मसाला नहीं डाल के मैं तड़का लगा रही हूँ। अगर गरम मसाला डालोगे तो लास्ट में तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इनको अच्छे से मिक्स करके ढक के तब तक पकाऊंगी जब तक कि मेथी और टमाटर पूरी तरीके से पक ना जाए, और मैं धीमी आंच पे ही इसको पकाऊंगी। कोई भी सब्ज़ी अगर हम लोग धीमी आंच पे बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ढक दिया है। ये टमाटर की चटनी अगर आपने पहले नहीं बनाई है तो बना के ज़रूर देखना। टेस्टी भी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। ये स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, और इससे डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है, बोन्स स्ट्रांग रहते हैं, और भी कई ज़्यादा फायदे हैं। अभी मेथी को अच्छे से मिक्स करके आप चेक कर लेना मेथी पका है कि नहीं। एक स्टिक निकाल के मेथी पक गया तो आप गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ढक के 1-2 मिनट के लिए रख देना। अगर नहीं पका होगा तो 2-3 मिनट और पकाना। अभी मैं ढक्कन निकाल रही हूँ। यहाँ पर हमें मेथी और टमाटर की चटनी को पूरी तरीके से ठंडा नहीं होने देना है। अब मैं ले रही हूँ ये दाल घोटनी। दाल घोटनी लेकर इस टमाटर की चटनी को मैं इस बर्तन में अच्छे से घोटूंगी, इसीलिए मैंने ये वाली हांडी का यूज़ किया है। अगर हम लोग कढ़ाई का यूज़ करेंगे तो ये वाला स्टेप हम लोग
अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बर्तन रहेगा, मतलब इस तरीके का हांडी टाइप का बर्तन रहेगा, तो आप इजीली इसको घोट पाओगे। अगर आपके पास इस तरीके की घोटी नहीं है और आप इजीली नहीं घोट पा रहे हो, तो आप मिक्सी के जार में भी डाल के इसे ग्राइंड कर लेना। पर मिक्सी के जार में ग्राइंड करोगे तो ठंडा होने के बाद ग्राइंड करना, गर्म ग्राइंड करोगे तो उड़ के बाहर गिर जाएगा। अब इसको इस तरीके से अच्छे से घोटना है ताकि ये पूरा चिकना हो जाए। अब आप देख सकते हैं चटनी एकदम चिकनी हो गई है। अभी मैं आपको चटनी निकाल के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं चटनी ना तो बहुत ज़्यादा मोटा है ना ही बहुत ज़्यादा चिकना है, बस इतनी कंसिस्टेंसी रखना है। और हो सके तो घोटने से ही हमें घोटना है, मिक्सी का यूज़ कम करना है, क्योंकि मिक्सी में घोटेंगे ग्राइंड करेंगे तो उतना टेस्टी नहीं रहेगा। अब मैंने इसको निकाला है सर्विंग बाउल में। आप चाहो तो ये चटनी ऐसे भी खा सकते हो, बट टेस्टी बनाने के लिए हम लगाएंगे तड़का। तड़का कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ये चटनी बनाकर आप फ्रिज में रख के 1 वीक तक खा सकते हो और फ्रिज के बाहर रख के 2 से 3 दिन तक यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने इसमें डाला है अराउंड 1 टीस्पून ऑयल। उसके बाद 1 बाय 1 तड़के की सारी चीज़ें डाले हैं। पहले जीरा, सरसों, लहसुन, सूखी लाल मिर्च और करिया पत्ती डाल के इनको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करके इसको मैं डालूंगी चटनी के ऊपर। ये चटनी बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी। इसे आप डोसा, रोटी, चावल, पराठा किसी के भी साथ खाओ, सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहता है। अब तड़का बनके रेडी है, मैं इसको डाल रही हूँ चटनी के ऊपर। तड़के को चटनी के ऊपर डालने के तुरंत बाद ढक्कन से थोड़ी देर के लिए ढक देना है, मतलब 2-3 सेकंड के लिए। ऐसा करने से तड़के का टेस्ट चटनी में बहुत अच्छा आएगा। अब हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी मेथी टमाटर की चटनी बनके रेडी है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।